हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 77 तक सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 78 से कंटिन्यू। तो काफ़ी सारी वर्कशीट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 78। क्वेश्चन है, लेट अस रीड दिस स्मॉल स्टोरी। तो स्मॉल स्टोरी दे रखी है, उसे रीड करना है। इन अ जंगल अ लॉयन एंड माउस लिव टुगेदर। एक साथ में रहते थे लॉयन, शेर और चूहा। द लॉयन वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो शेर था वो बड़ा था और स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था। द माउस वॉज स्मॉल एंड क्लेवर। वो छोटा था, माउस जो चूहा था वो छोटा था बट चतुर था। देयर नेम्स वर टॉम एंड चीकू। उनके नेम थे टॉम एंड चीकू। दे वर बेस्ट फ्रेंड। वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो थे। दे प्लेड टुगेदर एंड एट देयर फूड टुगेदर। वो हमेशा साथ में खेलते थे एक दूसरे के साथ में और खाना भी खाते थे साथ में। वन डे दे वेंट टू द रिवर एंड कॉट सम फिश टू ईट। वो रिवर की साइड में गए और उन्होंने मछली पकड़ी। आफ्टर कैचिंग मैनी फिशेज, काफ़ी सारी मछली पकड़ने के बाद दे सेट अंडर अ ट्री एंड एट द फिश। और पेड़ के नीचे बैठे और मछलियाँ खाने लगे। तो यहाँ पर ये स्टोरी दे रखी है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर फ्रेंड। आपको रीडिंग स्टोरी के बाद में क्या करना है, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे माय कैन लॉयन एंड माउस बी फ्रेंड्स, लिस्ट द आंसर दैट एंड रीजन फॉर बोथ इन द टेबल बिलो। तो माय आंसर तो रहेगा कि लॉयन और माउस फ्रेंड नहीं रह सकते। रीजन बिकॉज लॉयन वॉज स्ट्रॉन्ग एंड बिग, वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। बट फ्रेंड्स का आंसर रहेगा यहाँ पर यस, रीजन बिकॉज लॉयन वॉज वेरी काइंड, वो दयालु था, इसलिए फ्रेंड भी रह सकते हैं वो, कोई बात नहीं है। ठीक है, द राइट अ लाइन अबाउट वट यू थिंक द लॉयन एंड माउस डिड आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ फिशेज। उन्होंने क्या किया होगा काफ़ी सारी मछलियाँ खाने के बाद में। तो द लॉयन एंड माउस हैव गॉन देयर होम एंड स्लैप। अपने घर गए होंगे और सो गए होंगे। तो इस तरह से आपको आंसर करना था। तो ये डन होता है बख्शी 78। अब देखेंगे बख्शी 79, जिसमें एक पिक्चर दे रखी है। लोकेट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को बिलो जो दे रखे हैं आपको उन्हें फिल करना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सी। सी के देखिए ऊपर से उड़ रहा है एरोप्लेन। ठीक है, आई कैन सी टू बसेस इन द पिक्चर। बसेस दिख रही है दो, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आई कैन सी टू बुल्स आर पुलिंग वन कार्ट। एक कार्ट को बुल जो है वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, बैलगाड़ी। ठीक है, तो वो कैरी कर रहे हैं। वन हॉर्स इज पुलिंग अनादर कार्ट। एक हॉर्स है वो अनादर कार्ट पे जा रहा है। अ कैमल इज पुलिंग द थर्ड कार्ट। कैमल भी एक थर्ड कार्ट पे जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैमल दिख रहा है, ये हॉर्स है, ये कैमल है, ये बुल्स हैं, बैल। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल बोट एंड बिग शिप इन द वाटर। देखिए स्मॉल बोट भी है, शिप भी है वाटर में। आई कैन सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ इंजन। इंजन से देखिए स्मोक बाहर आ रहा है, तो वो भी दिख रहा है। द बॉय बिसाइड द बस इज ड्राइविंग बाइसिकल। देखिए जो बॉय है वो बाइसिकल से जा रहा है बस की साइड से। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भी बिसाइड का यूज़ होते हुए दिख रहा है, ओवर का यूज़ होते हुए दिख रहा है ना। देन अब सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द व्हीकल्स दैट यू कैन सी इन फॉलोइंग कैटेगरीज। तो आप कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हीकल्स जो आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में वो लिखने हैं। बस, कार, कार्ट, स्कूटर, बाइसिकल, ट्रक, ये दिख रहे हैं हमको। ऑन रोड, इन वाटर में शिप एंड बोट, इन एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, देखिए हेलीकॉप्टर भी हेलीपैड पर नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिए है ना, ये हवाई जहाज है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये लिखना था। तो डन होता है ये वर्कशीट 79। अब देखेंगे वर्कशीट 80। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पेन पंक्चुएट यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर, कॉमास, फुल स्टॉप। आपको सेंटेंस को रीड आउट करना है, रीअरेंज करना है उनको, देन क्या करना है उनके पंक्चुएशन मार्क देखने हैं कि वो सही है या नहीं है। कैपिटल लेटर जहाँ आना है वहाँ लिखना है कैपिटल लेटर, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। सेंटेंस के खत्म होने पर फुल स्टॉप लगाते हैं, वाक्य के बीच में किसी चीज़ के लिए हम रुकते हैं तो कॉमा लगाते हैं। स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लिखा जाता है, नेम में कैपिटल लेटर लिखा जाता है, किसी देश के नाम में कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं, जैसे अगर आश्चर्यजनक होता है तो एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज, तो यहाँ हो जाएगा यस्टरडे आई वेंट टू अ विलेज फेयर। सेट आई द मैरी गो राउंड ऑन, तो यहाँ हो जाएगा आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड। रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड, यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड।
वेंट मदर विद एंड फादर आई माय, तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट विद माय मदर एंड फादर. सो लॉट्स कैमल्स वी ऑफ गॉड्स एंड टॉयज, तो यहाँ हो जाएगा वी सो लॉट्स ऑफ टॉयज कैमल्स एंड गॉड्स फुल स्टॉप. फेयर इन लॉट आई जलेबी एट ऑफ दैट, तो यहाँ हो जाएगा आई एट लॉट ऑफ जलेबी इन दैट फेयर फुल स्टॉप. तो ये डन होता है. वर्कशीट 80, अब देखेंगे वर्कशीट 81, मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल. सेंटेंस मेक करने हैं यहाँ पर आपको, सिंपली आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट के साथ में विल शैल का. तो आई वी के साथ में तो शैल का यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज़ होता है. बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आपको लिख देना है. जैसे आई शैल गो टू जयपुर, वी शैल प्ले अ मैच, यू विल सिंग अ सॉन्ग, दे विल डांस इन अ पार्टी, ही विल राइट अ पोइम, शी विल वॉच अ मूवी, रजनी विल इंजॉय नेक्स्ट वीक, मोहन एंड सोहन विल कम फ्रॉम दिल्ली. तो ये डन होता है. वर्कशीट 81, अब देखेंगे वर्कशीट 82. रीड द पैसेज गिवन बिलो, पैसेज को रीड करना है. जिगार इज अ लिटिल बॉय, जिगार एक छोटा लड़का था. ही लिव, लड़का है. ही लिव्स इन अ ब्राउन हाउस, वो भूरे घर में रहता है. देयर इज ग्रीन ट्री एंड ब्लू रिवर नियर हिज हाउस, उसके घर के पास में एक हरा पेड़ है, नीली नदी बहती है उसके घर के पास से. तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, यहाँ पर कलर्स के नेम दे रखे हैं, ठीक है. जिगार लाइक टू ईट टॉफीज, उसको टॉफीज खाना पसंद है. ही लव्स हिज मदर, वो अपनी माता से प्यार करता है, एंड फादर से भी, ठीक है, पापा से भी. मदर लव्स नमकीन, मदर को नमकीन पसंद है. फादर लव्स फ्लावर, फादर को फूल पसंद है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर करने हैं. व्हाट डज जिगर लाइक, जिगर को क्या लाइक है, क्या पसंद है. जिगर लाइक टू ईट टॉफीज, उसको टॉफीज खाना पसंद है. हु लव्स नमकीन, हिज मदर लव्स नमकीन, उसकी माँ को नमकीन पसंद है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ हाउस, कलर का हाउस क्या था, ब्राउन, द हाउस कलर इज ब्राउन. नाउ कंप्लीट द स्मॉल पैराग्राफ विद वर्ड ऑफ योर ओन, आपके अपने शब्दों से इस पैराग्राफ को आपको भरना है. अतुला इज अ लिटिल गर्ल, अतुला एक छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है. शी लिव्स इन अ पिंक हाउस, वो पिंक हाउस में रहती है. देयर इज टेम्पल एंड स्कूल नियर हाउर हाउस, उसके पास में, उसके घर के पास में मंदिर और स्कूल है. शी लाइक्स टू ईट मैंगो, उसके मैंगो खाना पसंद है. शी लव हर मदर एंड फादर, वो अपने मम्मी पापा से प्यार करती है. मदर लव्स फ्लावर, मदर को फ्लावर पसंद है. एंड फ्लावर फादर लव्स स्वीट्स, फादर को स्वीट्स पसंद है. तो इस तरह से आपने अपने शब्दों में इसे पूरा करना था ऊपर के अकॉर्डिंग. ड्रॉ द कलर अ पिक्चर ऑफ दैट गर्ल, यूज स्टिक फिगर्स, तो आपको स्टिक करना है फिगर्स को, या आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी गर्ल की पिक्चर को यहाँ पर. तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, आप सुंदर सुंदर ड्रॉ करिए, ठीक है. तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 82. अब देखेंगे वर्कशीट 83, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड अबाउट अ विलेज. विलेज से आपको रिलेट यहाँ पर वर्ड्स को फिल करना. आई लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहती हूँ या रहता हूँ. इट इज़ अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव है. देयर आर मैनी एनिमल्स इन माई विलेज, बहुत सारे जानवर हैं मेरे गाँव में. दे आर काउज, डॉग्स, गॉट्स, है ना. तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना. आप टाइगर तो हो नहीं सकता है, तो इसे छोड़ देना आपको, ठीक है. टाइगर लॉयन को नहीं लिखना है, गांव में टाइगर लॉयन नहीं होते हैं. देयर आर फार्मर्स, यहाँ पर किसान हैं. दे ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं. दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं. देयर इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल रिवर, यहाँ पर रिवर है बहुत सुंदर. इन माई विलेज, मेरे गाँव में. आई लाइक माई विलेज वेरी मच, मुझे मेरा गाँव बहुत पसंद है. यहाँ पर देखिए कॉपी द पैराग्राफ इन द बॉक्स, तो इस तरह से आपको कॉपी करना है इस पूरे पैराग्राफ को इस बॉक्स में. जैसे जैसे ऊपर लिखा है आपको बस इसे इस तरह से एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में. ओके, समझ आ गया. नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर विलेज बेस्ड ऑन अ पैराग्राफ राइट इन द बॉक्स अबव. तो देखिए विलेज बनाना है आपको, जिसमें आपको ये दर्शा देना है, काउ, डॉग, गॉड्स, ठीक है. फार्मर्स दर्शा देने हैं, क्रॉप्स दर्शा देनी है, फसलें, रिवर दर्शा देनी है. तो इस तरह से आपको ये विलेज जो आपके ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है. जैसे एक विलेज बना देना है, ठीक है. हट्स बना देनी है यहाँ पर, है ना. एक रिवर बना देनी है, ट्रीज़ बना देने हैं, फार्म्स बना देने हैं यहाँ पर, फसलें उगाते हुए लोग बना देने हैं, फार्मर्स, ठीक है. तो इस तरह से आपको सुंदर सी बनानी है पिक्चर. तो ये डन होता है वर्कशीट 83. अब देखेंगे वर्कशीट 84, जिसमें है हियर आर सम फूड आइटम, आइटम दे रखे आपको फूड से संबंधित, खाने से संबंधित. राइट इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू कुक देम, आपको इंग्रेडिएंट लिखने हैं उसमें कि क्या क्या लगेगा उस चीज़ को बनाने के लिए. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो, आप दिए गए बॉक्स की हेल्प से लिख सकते हैं उन्हें. जैसे दाल बाटी, तो दाल बाटी के लिए क्या चाहिए,
आटा चाहिए, व्हीट फ्लोर, घी चाहिए, वाटर चाहिए, दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, ब्लैक पेपर, ऑयल, ये सब चाहिए, ठीक है। खीर के लिए मिल्क, राइस, शुगर, नट्स चाहिए। चूरमा के लिए व्हीट फ्लावर, अगेन घी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, नट्स हो जाएंगे, गुड़ हो जाएगा। रोटी के लिए व्हीट फ्लावर, वाटर, घी एंड सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिए गए हिंट से इसे फिल करना था। तो ये डन होता है बक्शीट 84। तो यहाँ हमने देखा बक्शीट 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78 के सॉल्यूशन। आगे के सॉल्यूशन हम जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।